हेलो एवरीवन वेलकम टू एन सी आर टी इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 14.6 फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन सो हमने प्रीवियस वीडियो में इक्वेशन ऑप्टीन करी थी फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सलेशन फॉर अ पार्टिकल ऑसलेटिंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन की उसके बाद हमने ग्राफ भी ऑप्टीन देखे थे ठीक है ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम वेलोसिटी विद टाइम एंड विद टाइम ऑफ सिंपल हारमोनिक मोशन ओके अब हम बात करेंगे फोर्स लॉ फॉर सिंपल हारमोनिक मोशन की तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर गोइंग एस एच एम द फोर्स लॉ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास इन एस एच एम इज ओके तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें पता है okay, और जो एक्सलरेशन हमने एक पार्टिकल जो एस एच एम कर रहा है उसका एक्सप्रेशन प्रीवियस वीडियो में ऑप्टेन किया था डेट वॉज एक्सलेन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स वी आर डिस ऑफकोर्स फंक्शन ऑफ टाइम एंड ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल अंडर गोइंग सिंपल आर्मोलिक मोशन ओके सो वॉट वी कैन डू वी कैन रिप्लेस दिस ए विद दिस एंड वी विल ऑप्टेन एफ टी फोर्स इज इक्वल टू ओके फंक्शन ऑफ टाइम एंड दिस इक्वल टू माइनस एम omega square x t okay so this is the expression of force for a particle undergoing shm and now you see mass of the particle is a constant okay and the angular frequency of a particle undergoing simple harmonic motion is also a constant so this becomes a constant and we name it this constant as k okay now so the force of a particle undergoing shm is min minus k times x t where k is a constant okay you can see here that force is directly proportional to displacement okay for a particle undergoing shm and what is this k we had replaced m omega square by k so k is m omega square and now you see what we can do so we can obtain the expression of omega so uh, m we will go down k upon m and omega will be root of k by m okay so this is the relation between omega k and m ओके नाउ लाइक एक्सेरेशन फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुअर्स द मेन पोजिशन हैल्ड द रिस्टोरिंग फोर्स इन एस एच एम ओके एक्सेरेशन वट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सलेशन फॉर अ पार्टिकल एंड इसम इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूअर्ड सेंटर है ना एक्सेलेशन कहाँ था हमें जो अभी हमने जो प्रीवियस वीडियो देखना उसमें हमने डिस्कस किया था जो पार्टिकल एस एच एम कर रहा है ठीक है वो हमेशा एक्सलेशन उसमें टूअर्स द सेंटर है ओके okay. फोर्स भी फोर्स की भी बात करूं तो वो भी हमेशा मीन पोजिशन की तरफ सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है सो so ये इसको रिस्टोरिंग फोर्स इन एस एच एम भी बोलते हैं ठीक है थेके? जो फोर्स एक्ट कर रहा है ठीक okay, HM, है एस एच एम में ओके इसको रिस्टोरिंग फोर्स एच एम क्योंकि क्या कर रहा है इसको इसकी ओरिजिनल पोजिशन मीन पोजिशन में लेके आ रहा है फोर्स ओके नाउ टू समराइज द डिस्कशन सो फार सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी डिफाइन इन टू वेस इक्वेलेंट two equivalent ways either by equation 14.4 for displacement or by equation 14.13 that gives this force law. तो so simple harmonic motion को हम define कर सकते हैं या displacement के terms में define किया हमने okay या force के term में ठीक है तो simple harmonic motion में क्या होगा जिसमें force जो है okay वो displacement के directly proportional है okay और जो या तो हमने पहले जो define किया था displacement okay सिंपल हार्मोनिक मोशन को हमने सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का हमें डिफाइन किया था डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल अंडर गोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन वॉज एक्स टीज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक है जिसमें ए एम्पलीट्यूड है ओके फाइव फेज है ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है और टी टाइम है ओके okay, सो so दो तरह से हम दो इक्विटेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के टर्म में और फोर्स के टर्म्स में सिंपल हार्मोनिक मोशन को गोइंग फ्रॉम इक्वेशन फोर्टीन पॉइंट फोर टू इक्वेशन फोर्टीन पॉइंट वन थ्री रिक्वायर्स टू डिफरेंशिएट टू टाइम्स सो हमने देखा था कि कैसे हमने जो डिसप्लेसमेंट की इक्वेशन थी उसको डिफ्रेंशिएट किया था, था तो हमें वेलॉसिटी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गई थी ओके okay, और अगेन हमने फिर वेलॉसिटी के एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया था तो हमें एक्सलेशन ऑफ की एक्सप्रेशन फाइंड आउट हो गया था ओके कैन मल्टीप्लाई मास ऑन बोथ साइड सो वी कैन ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ओके सो जो 14.4 पॉइंट इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है फॉर अ सिंपल हार्मोनिक मोशन को डबल डिफ्रेंशिएट करने पे हमें हमें फोर्स की जो इक्वेशन है ऑप्टेन हो जाएगी इसके ऑपोजिट भी ट्रू है मतलब अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे इस इक्वेशन को ठीक है फोर्टीन को इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओके तो अगेन इससे हमें फो वेलाटी का एक्सप्रेशन और फिर से ऑप्टेन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन ऑप्टेन हो जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ओके नेक्स्ट नोट दैट द फोर्स इन इक्वेशन फोर्टीन पॉइंट वन थ्री इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू एक्सटी ओके तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया वो जो फोर्स है फॉर सिंपल ऑन मोशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ओके और अ पार्टिकल ऑसिलेटिंग अंडर सच अ फोर्स इज डियर फॉरिंग कॉलिंग कॉलिंग अ लीनियर हारमोनिक ऑसिलेटर ठीक है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना लीनियर हारमोनिक ऑसिलेटर क्या होगा ओके okay, ऐसा पार्टिकल जो ऑसिलेट कैसे कर रहा है जो ऑसिलेट कर रहा है अंडर अ फोर्स ठीक है अंडर अ फोर्स इन विच द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ठीक है इसका ग्राफ ऑप्टेन करेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो हमें एक लाइन ऑप्टेन होगी ओके सो सच अ फोर्स सच अ पार्टिकल विच इज ऑसिलेटिंग अंडर अ फोर्स विच वेयर द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है डिस्प्लेसमेंट दैट इज अ लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ओके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये ध्यान रखना ओके इन द रियल वर्ल्ड द फोर्स मे कंटेन स्मॉल एडिशनल टर्म प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्सेट्रा दिस देन आर कॉल्ड नॉन लीनियर ऑसिलेटर ठीक है तो लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होगा ठीक है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ और टर्म्स भी आएंगे एक्सक्वायर एक्स क्यूब ठीक है जो ग्राफ अपटेन होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का वो लीनियर नहीं होगा तो उस केस में उसे हम बोलेंगे नॉन लीनियर ऑसिलेटर